भिलाईतीन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया। भिलाईतीन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हथखोज निवारती प्रार्थी नरेंद्र निषाद और सतीश कुमार ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी अज्ञात आरोपी ने उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने रिसाली निवासी आरोपी मनोज यादव और कसारडी निवासी सतीश कुमार यादव को पकड़कर पूछताछ की, जिससे दोनों आरोपियों ने बाइक चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी की धाराओं के तहत कार्रवाई कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक को बाइक चोरी के दो अपराध पंजीबद्ध किए गए, जिसमें से एक में प्रार्थी नरेंद्र निषाद जो कि इंद्रापारा हथकोच का रहने वाला है और दूसरा सतीश कुमार जो कि सितलापारा हथकोच का ये भी रहने वाला है। ये दोनों अपनी बाइक एक 25 तारीख को एवं एक 26 तारीख को पृथक पृथक जगहों पर खड़े किए थे, जिनमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। एक में मनोज यादव निवासी रिसाली जो कि मायानगर का रहने वाला है, उसके द्वारा एक सीडी डिलक्स चोरी की गई थी एवं सतीश कुमार यादव जो कि कसारीडी का है, उसके द्वारा एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिनको विवेचना के दौरान पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनसे सीडी डिलक्स पृथक पृथक मसरूखा बरामद किया गया है। इसमें सतीश कुमार यादव को जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है और अभी वर्तमान में मनोज यादव के खिलाफ विवेचना कार्रवाई की जा रही है और इसको जुडिशियल रिमांड में भेजा जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे।